गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम एंड हैप्पी टीचर्स डे। डियर स्टूडेंट, टुडे इज टीचर्स डे। टुडे वी आर हैप्पी एवरीबॉडी, बट वन साइड वी आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू आर नॉट विथ अस। डियर स्टूडेंट, हाउ कैन वी सेलिब्रेट टीचर्स डे विदाउट स्टूडेंट? बट थैंक्स अ लॉट दोज स्टूडेंट्स, दे हैव मिस्ड मी ऑन द वेरी प्रीशियस डे टुडे ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच दोज स्टूडेंट्स, दे विशिंग मी टुडे। डियर स्टूडेंट, आज टीचर्स डे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे उन विद्यार्थियों और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज याद किया। आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, क्योंकि बिना विद्यार्थियों के ये स्कूल एक सूना भवन सा लगता है। यहाँ पर आपकी जो हर साल चहल पहल होती है, वो आनंद एक अलग ही होता है और वो सेलिब्रेशन एक अलग होता है। डियर स्टूडेंट, कोई बात नहीं, मुसीबत की ये घड़ी भी बीत जाएगी। एक बार फिर से हम सभी नेक्स्ट आने वाले टीचर्स डे को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम टॉपिक की बात करें। हम चल रहे हैं नरेशन। नरेशन में हम जो भाग चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो है इंट्रोगेटिव। नरेशन का मतलब होता है कथन। हर बार मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका दूसरा नाम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग जो चल रहे हैं वो हैं इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी पोर्शन। इंट्रोगेटिव, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं, एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब वाला, दूसरा होता है डियर स्टूडेंट WH वाला। हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट आज अपना लास्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। उसके बाद मंडे से हम लोग WH वर्ड की ओर बढ़ेंगे और संडे को कल आपका टेस्ट है, इसका भी ध्यान में रखना, तैयारी कर लेना। जितने भी मैंने इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले करवाए हैं वो अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेना। डियर स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। डियर, आपको पता होगा हम लोग इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये वाला पैटर्न है। फिर आगे तो आता ही है, आपको बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, सिंस फॉर एक्सेट्राज वगैरह। इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव बनाएंगे, फिर हैड बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और फिर आगे बढ़ता जाता है सिंस फॉर। इसका खास सिंबल है सिंस और फॉर, जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि काम कब से शुरू है। डियर स्टूडेंट, आइए आज हम इस पैटर्न पर आधारित डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट मैं दे रहा हूँ, विशिष्ट ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, रोशन, रोशन सेड टू मी, रोशन सेड टू मी, आई, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। हैव यू, हैव यू बीन, हैव यू बीन लिविंग इन दिस
city since 2007 question mark और इन्वर्टेड कोमा से बंद। डियर स्टूडेंट, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रोशन सेड टू मी, रोशन ने मुझसे कहा, हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2007? क्या तुम 2007 से इस शहर में रह रहे हो? ये एक प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2007? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस बिलोंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? व्हेन वी गेट हियर सिंस एंड एनी द टाइम ऑफ पीरियड एंड पॉइंट ऑफ टाइम देन। तो इसका विशेष ध्यान रखें डियर स्टूडेंट। अब किस प्रकार से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको देखेगा। इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट रोशन, रोशन आस्कट मी। यहां तक समझ में आ रहा है? इतना तो आपको पता ही है कि सेड टू आस्कट में बदलता है बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है, अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट बनेगा रोशन आस्कट मी, फिर आ जाएगा कनेक्टिव इफ। क्या आ जाएगा? इफ। अब हैव को लात मार दो, आगे है यू, यू की चोटी पकड़ो। अब यू को अच्छी तरह से देखो, कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, मी का क्या बन जाएगा? आई, तो बनेगा आई। अब डियर स्टूडेंट विशेष ध्यान देना, क्वेश्चंस वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड बीन। तो डियर स्टूडेंट, रोशन आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन, आई हैड बीन। फिर आगे वो का वो आएगा लिविंग इन। अब ध्यान दो, दिस दिया हुआ है, दिस जो है वो किस में बदलता है? दिस बदलता है डैट में, तो बन जाएगा डैट। फिर सिटी का सिटी और सिंस 2007 और फुल स्टॉप लग जाएगी डियर, इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पूछा गया हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, वो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम माई टीचिंग। लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मॉडल वाले क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मॉडल में क्वेश्चंस हो, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, एक क्वेश्चंस पूछा गया, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम लूं, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर शुड आई कैच इट, क्या मुझे इसको पकड़ना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडल से स्टार्ट हो डियर स्टूडेंट, उनकी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे बनते हैं। जितने भी कैन हैं, विल, सेल तो मैंने आपको बता दिया, कैन हैं, मे हैं, इनसे जो बनने वाले हैं आइए उनको हम बनाएं किस प्रकार से। कैन से मोस्टली कैन वाला पूछ सकता है आरबीएससी बोर्ड, तो उसको भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, एक एक चीज को समझते हुए आप करते जाना। आइए अब हम बात करें कि अंदर
डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो आपका जो रिकॉर्डेड स्पीच है अगर उसके अंदर मॉडल हो, कैन सी स्टार्ट हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बनाएंगे। लुक एट वेरी केयरफुली, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। पहले मैं लिख देता हूँ कैन मे, मोस्टली इनसे ज़्यादा आता है, फिर जो भी होगा वो बदल जाएगा, आप इन पे ध्यान देना। विशेष एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लीजिए आ गया रोहित, रोहित सेड टू मी, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, क्या कहा, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, ऐसे आने वाले डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तरीका वो का वो बाहर वाला, रोहित आस्कट, रोहित आस्कट मी, और फिर कनेक्टिव आ जाएगा इफ, रोहित आस्कट मी इफ, रोहित आस्कट मी इफ। अब कैन को थोड़ी देर के लिए मत मानो, यू की छोटी पकड़ लो, कहाँ जाएंगे, मी के पास, मी क्या बनेगा, सब्जेक्टिव आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, और कैन बदल जाएगा कुड में, इसका ध्यान रखना, मे से माइट, कैन से कुड, विल से वुड, और सेल से शुड बन जाएगा। तो इफ आई कुड, फिर हेल्प, और मी बना आई से, मी बना आई से, तो कहां पर जाएगा, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में रोहित है, तो रोहित क्या है, पुरुष है, मेल, तो इसके बनते हैं ही, हीज, हिम। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए कौन सा रूप है, सब्जेक्टिव है, पजेसिव है, या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, मी, तो यहां पर भी इसका लेंगे हिम, एच आई एम, फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से मॉडल कैन से भी बन गया, रोहित सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी, रोहित ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो इसका जो इनडायरेक्ट बना डियर स्टूडेंट वो बना रोहित आस्कड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सका। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन मेक बाय द मे बदल जाएगा माइट में। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, जितने भी मॉडल आए, जितने भी क्या कुछ इम्पोर्टेंट्स मॉडल से ही आपको आस्किंग की जाती है एग्जाम में, मे माइट विल वुड सेल शुड और कैन कुड, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू होम असेसमेंट फॉर योर बेटर प्रैक्टिस एट योर होम, टेक इट एंड सॉल्व, जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू ओनली 5 सेंटेंस एट योर होम असेसमेंट, टेक इट, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही अच्छा एक्टिव बच्चे मुझे वापस भेजते भी हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उनको वापस मोटिवेट करता हूँ, उनकी जो गलतियाँ होती हैं उनको सही करके उनको वापस गाइडेंस देता हूँ कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप एक्टिव बने रहें, अपना ग्रामर कंप्लीट होने वाला है, बस 2 पॉइंट रहे हैं,
तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठाइए और अच्छी तरह से लर्निंग कीजिए। डियर स्टूडेंट, टेक योर होम असेसमेंट, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, have you been working for 1 month in this company? Have you been working in this company? For one month. Question mark, inverted comma. Have you been working in this company for 1 month? क्या आप एक महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आराम से दिमाग लगा के इसको ट्रांसलेट करना। डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर टू, निशा सेड टू हर Can you see this picture? क्या तुम यह चित्र देख सकती हो? Dear student, sentence number 3. Vinod said to me, May it be possible? क्या यह संभव हो सकता है? ध्यान देना डियर स्टूडेंट, मैंने मे से एक बनाया है। आप लोग आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करना। सेंटेंस नंबर 4, राजेश सेड टू मी Has she been cooking food for 1 hour? राजेश ने मुझसे कहा, क्या वह एक घंटे से खाना पका रही हैं? डियर स्टूडेंट, पांचवा जो आपका लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस ले लीजिएगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, आज अपना ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब हम मंडे से WH वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए विशेष एक बार रिपीट कर लेना, पूरा दोहरान कर लेना, जिससे माइंड अप हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा होगा। पांचवा सेंटेंस है, अरविंद सेड टू मी, कैन आई हेल्प यू? अरविंद ने मुझसे कहा अरविंद सेड टू मी
अरविंद ने मुझसे कहा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे आई हैव गिवन यू 5 सेंटेंस इन डायरेक्ट कंडीशन फॉर योर बेटर प्रैक्टिस एट होम एंड डू इट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी द मैनी क्वेश्चंस इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आई फुल्ली ट्राई टू रिमूव योर एनी टाइनी मिस्टेक्स एंड आई विल गाइड यू बेटर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उन्हें गाइड करता रहता हूँ। आप पूछोगे तो आपको गाइडेंस मिलेगा। डियर स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी अटकते हो, रास्ता भटक जाते हो, आप सवाल कीजिए, हम तैयार हैं आपका जवाब देने के लिए। बस आप अपनी स्टडी को बेटर कीजिए और ऊंचाइयों को छू लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, कीपिंग योर कंपनी विथ मी। हैव ए नाइस डे, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे एवरीबॉडी, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।